सक्रिय राजनीति से 3 साल का वनवास खत्म होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत के साथ वापसी की है। मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इस बार संगठन ने उन पर भरोसा जताया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज कर एक बार फिर ये जता दिया है कि आखिर उनमें दम बाकी है। त्रिवेंद्र की इस जीत को उनके राजनीतिक कैरियर में एक नई दिशा मिलने के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को राजनीतिक अवसर का इंतजार था। कुछ अवसरों पर संगठन ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं भी गर्माती रही हैं, लेकिन हर बार त्रिवेंद्र समर्थकों को मायूस ही होना पड़ा। 2022 में उनकी पारंपरिक डोईवाला सीट से भी वो चुनावी मैदान में नहीं उतर पाए। हालांकि इस सीट पर पार्टी ने उन्हीं के पसंद के चेहरे ब्रिजभूषण गैरोला को मैदान में उतारा था। त्रिवेंद्र के समर्थन से गैरोला चुनाव जीत गए थे। बावजूद इसके त्रिवेंद्र को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी और इंतजार था एक बड़ी जिम्मेदारी का। इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट कर हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत की जिम्मेदारी त्रिवेंद्र को सौंपी। त्रिवेंद्र ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। जीत के तौर पर नतीजा सामने आ गया कि जो विधानसभा लोकसभा है हमारी, इस लोकसभा के सभी मतदाताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से जो हरिद्वार जनपद में जिस तरह का रुझान देखने में आया है वो बिल्कुल जो हमारी अपेक्षा थी, अपेक्षा से मुझे कुछ ज़्यादा आशीर्वाद हरिद्वार की जनता का। हाँ, मैं तमाम जो हमारे पांचों सांसद होने जा रहे हैं उनको बहुत बधाई और वहाँ की जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजनीतिक करियर की बात करें अगर उनके, तो बताएं आपको 2022 में डोईवाला से विधानसभा चुनाव जीतकर त्रिवेंद्र सक्रिय राजनीति में आए। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भी डोईवाला विधानसभा से चुनाव जीतकर मंत्री बने, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी रहे, झारखंड और यूपी जैसे बड़े प्रदेशों में भी सह प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। 17 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और मार्च 2021 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से लगातार वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए, लेकिन हरिद्वार सीट से उनको टिकट देने के बाद उनकी सक्रिय राजनीति से बनी दूरी को खत्म किया गया और फिर से एक बार पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की है।